बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन इजी टीचिंग बाय हरम। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, वी ब्लैंकेट के साथ और ऊपर राउंड बैंड मैंने यूज़ किया है। ये लॉन के सूट के ऊपर बहुत ही अच्छी लुक देता है। आजकल ये वाला नेक डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, आप लॉन के सूट के ऊपर, फैंसी सूट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने इसकी लेंथ ली है, ये 15 इंच ली है। यहाँ से हमने 4 इंच पे एक और मार्क लगाया है, ऊपर से हम तकरीबन 2 इंच के फासले पर रख के तो वी शेप में इसको मार्क कर लेंगे। नीचे से तकरीबन 0.1 पे जो रख के हल्का सा मार्क कर लेंगे। अब हम तकरीबन 1 इंच बाहर वाली साइड पे रख के उसको भी मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने पहले मार्किंग की थी वहाँ पे बाहर वाली साइड पे पूरे नेक के ऊपर 1 पॉइंट पे रख के मार्किंग कर लेंगे और फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे आपस में मार्क्स को इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे सेम हम कटिंग कर लेंगे उसी तरह से। अब ये सेंटर से भी हम उसी तरह कट करके सेपरेट कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। इस तरह हमारा नेक रेडी होगी। अब हम शर्ट के फ्रंट पार्ट पे भी हम कटिंग कर लेंगे, ऊपर से 3 इंच के फासले पे रख के, नीचे भी हम 3 इंच के फासले पर रख के मार्क करके राउंड शेप में उसको मार्क कर लेंगे। और ये जो पेपर पट्टी हमने काटी थी उसको पिन की मदद से आपस में ज्वाइन करके इस तरह 3 इंच के फासले पर रख के तो बाहर वाली साइड पे मार्क कर लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जो पेपर पट्टी का सेंटर है उसको बिल्कुल सेंटर में रख के फिर मार्क करेंगे। और अब जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर से कट कर लेंगे। ऊपर से भी हम वैसे ही गोल शेप में कटिंग कर देंगे जिस तरह हमने मार्किंग की हुई है। अब हमने जो स्ट्रिप्स गले के लिए काटी थी उनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर वाली साइड पे है उसको पेपर पट्टी के ऊपर रख के आयरन की हेल्प के साथ उसको उसकी तय बिठा देंगे। इस तरह दोनों स्ट्रिप्स की हमने अंदर वाली साइड जो है उसकी तय बिठाई है। अब सेम उसी तरह का एक और फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसके ऊपर सेम उसी तरह की कटिंग करके तो उसके ऊपर रख के बिल्कुल पेपर पट्टी के किनारे पर रख के सिलाई लगा ली है। ये दोनों साइड पे हमने रख के सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। फैब्रिक की उल्टी साइड के यानी शर्ट की उल्टी साइड पर रख के हम इस स्ट्रिप को कपड़े के साथ अटैच करेंगे जहाँ पर हमने कटिंग की थी गले के लिए। जिस शेप में कटिंग की हुई है सेम उसी शेप में हम रख के स्टिच कर देंगे। अब हम इसको सीधा करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी जहाँ पे हमने स्टिच किया हुआ है उसको इसके अंदर रख के बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। ये नेक की हमारी लेफ्ट वाली साइड है, राइट साइड पे अभी हमने सेम इसी तरह स्ट्रिप जो है वो अटैच करनी है। अब हम राइट वाली साइड पर स्ट्रिप अटैच करेंगे सेम उसी तरीके के साथ, बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगाएंगे। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा यानी जहाँ जिस पे हमने स्टिच किया हुआ है उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में बिल्कुल ये बाहर वाली साइड पे स्ट्रिप आएगी और बिल्कुल सेंटर में रख के हम इसको ऊपर वाली साइड पर रख के स्टिच कर लेंगे। ये हमारा ब्लैंकेट जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें कितने नीट और क्लीन तरीके के साथ हमारा जो है नेक रेडी हुआ है। अब हम इसके ऊपर बैंड अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसी तरह की शेप में भी रख सकते हैं, चाहे तो बैंड अटैच कर सकते हैं, चाहे कलर यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। नॉर्मल बैंड जो होता है वो तकरीबन 18 साढ़े 18 इंच होता है, आप अपनी मर्जी के से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये राउंड नेक का जो है उसको बनाने का सबसे आसान तरीका है यानी ऊपर से स्ट्रिप जो है वो 3 इंच के लंबाई पे रखते हुए नीचे हम इस तरह करके गोल शेप में शेप देके 18 इंच पे हम रख के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा राउंड बैंड जो है वो रेडी हुआ है। आप चाहे तो स्ट्रेट बैंड भी यूज़ कर सकते हैं यानी बिल्कुल सीधा काट के 18 इंच लंबाई रख के तो उसको आप इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो है ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसको पेपर पट्टी को
फैब्रिक के ऊपर अटैच करके दूसरा सेम उसी तरीके से फैब्रिक काट के उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। सिलाई के बाद हल्के हल्के नॉचेस लगा के इसको सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है थोड़ा बहुत उसे काट लेंगे। सीधा करने के बाद हम अब इसको नेक के साथ अटैच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अब बैंड को बाहर वाली साइड पे फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते जाएंगे और उसी तरह राउंड शेप में हम स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बैंड जो है रेडी हो चुका है। अब बैंड के ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं चाहे तो रहने दें। ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर लें। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।